बात जरा आप जम्मू कश्मीर की शुरू करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो आपको ये भी बताते चलें कि दिल्ली के अंदर मीटिंग्स हुई हैं, एक के बाद एक मीटिंग हुई है, और दिल्ली की मीटिंग्स के अंदर जहां जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है, वहीं पर खबर ये है कि रात देर गए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वजीर आजम के साथ भी मुलाकात की है। दिल्ली के अंदर जहां पर वजीर आजम के साथ भी मुलाकात मनोज सिन्हा की हुई है, लेकिन उससे पहले अहम मीटिंग हुई, 3 घंटे तक मीटिंग चली। सिक्योरिटी के जो मामलात है, अंदरूनी सूरत हाल है, लाइन ऑफ कंट्रोल, दरअंदाजी, ये तमाम मामलात जेर गौर रहे हैं। और जो मीटिंग हुई है उसकी सदारत खुद वज़ीर दाखला अमित शाह कर रहे थे, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए, जहां पर तामीराती कामों का भी इस मीटिंग के दौरान जायजा लिया गया। मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा के अलावा कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल, फौजी चीफ जनरल MM नरवाने, होम सेक्रेटरी अजय भल्ला, इंटेलिजेंस ब्यूरो डायरेक्टर अरविंद कुमार और उनके साथ साथ रॉ चीफ सुमंत गोयल, DSF DG पंकज सिंह, जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह, चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता और CID की जो ADG हैं, CID रश्मि रंजन सवेन, जो कि इस मीटिंग का हिस्सा थी। एक तो सलामती सूरत हाल के मुमकिन क्या कुछ इकदाम उठाने की इस वक्त जरूरत है, सरहद पार जो हलचल हुई, अफगानिस्तान के अंदर तब्दीलियां हुई हैं, उसके बाद हालांकि अभी तक ऑफिशियली सरकार ने या पुलिस या दीगर किसी एजेंसी की तरफ से ये नहीं कहा गया कि ऐसी सूरत हाल बनी हो, लेकिन उसके हालात के उस तरफ जो हालात रहे उसके शायद मनफी असरात सरहद के इस पार भी पड़ सकते हैं। दरअंदाजी की कोशिशें एक दो बार हुई हैं, उन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया गया और मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर ब्रीफ किया गया वजारत दाखिला को। बड़ी बात यह थी कि इस मीटिंग में तरक्याती मंजरनामे पर जरूर बात हुई है, लेकिन सिक्योरिटी का मेजर कंसर्न था, क्योंकि पिछले दिनों ही एक प्रोग्राम में हमने आपको कुछ रिपोर्ट्स का हवाला दिया था, कुछ पुलिस इंतजामिया की जो हालिया दिनों में रिपोर्ट्स आई थी, शुमाली कश्मीर के अंदर तीनों सरहदी अजला जहां पर दरअंदाजी की कोशिशें भी साथ साथ हुई और उसके अलावा गैर मुल्की मिलिटेंटों की मौजूदगी भी, वो तमाम चीजें तमाम पैरामीटर्स पर 3 से 3.25 घंटे तक बातचीत हुई है। और वज़ीर दाखला अमित शाह के सामने जब बात रखी गई तो उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखा जाए, बेहतर तालमेल, बेहतर कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया गया और सलामती सूरत हाल पर बहुत करीबी नजर रखी जाए। इसके अलावा मुख्तलिफ एजेंसियों को सरहद के आसपास और शहर के अंदरूनी हिस्सों पर इस वक्त ज्यादा पहले के मुकाबले नजर रखने की जरूरत है, इस पर सख्ती से नजर रखी जाए, इस बात को यकीनी बनाने पर वज़ीर दाखला ने जोर दिया है। अब यह मामला जी इतना ज्यादा संगीन क्यों बनता, उसके बाद जरा आपको इस खबर की एक और बात भी बताएंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि तालिबान के तर्जमान और इस वक्त जो नायब इतलात वजीर है सुहेल शाहीन ने गुज़श्ता दिनों एक इंटरव्यू में कहा था कि वो जम्मू कश्मीर के मामले पर खामोश नहीं बैठ सकते हैं, और सुहेल शाहीन ने जब पिछले हफ्ते ये बात बताई थी तो उसके बाद हलचल जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक देखने को मिली थी, और यही वजह है कि एक रिव्यू लेने की कोशिश जो है वो की गई, नंबर वन। नंबर दो, कल सोशल मीडिया के ज़रिए से जिस तरीके से नौजवानों को उकसाने की कोशिशें हो रही हैं, हुकूमत की तरफ से लगातार ये दावे पेश किए जा रहे हैं, उस पर भी कल ये साफ कर दिया गया है कि सोशल मीडिया पर गहरी नज़र रखी जा रही है और मुश्तबिया अफराद जो है या तो उनसे पूछताछ की जा रही है और अगर सही पाया गया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, पर्चे भी लग रहे हैं, ये भी कल क्लियर किया गया और ये कहा गया कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इधर कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वजीर अजम नरेंद्र मोदी के साथ भी मुलाकात की है और इब्तदाई खबरों के मुताबिक वजीर अजम नरेंद्र मोदी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के बीच जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू हुई है और तरक्याती मंजरनामे में किस तरीके से बेहतरी लाई जा सकती है और क्या कुछ परेशानियाँ हैं, इस हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वजीर अजम को तफसीली खाका पेश किया है। उम्मीद मानी जा रही है कि जब कल PMO की तरफ से ट्वीट किया गया था उसमें यह साफ कर दिया गया कि डेवलपमेंट सिनेरियो से लेकर दीगर मामलात तक वजीर आजम के साथ गुफ्तगू हुई है और वजीर आजम की तरफ से यह यकीन दिलाया गया है कि जम्मू कश्मीर की हर मुमकिन मदद और मावनत